नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेश के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कल एक बड़ा प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है और उसके लिए एक बड़ी रैली रखी गई है कुरुक्षेत्र के पीपली की अनाज मंडी में। इस अनाज मंडी के अंदर पूरे प्रदेश के किसान संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा काफ़ी संख्या के अंदर किसानों के एकत्रित होने का समाचार है और सरकार भी इसको लेकर गंभीर हो चुकी है। और सरकार की तरफ से जो प्रदेश के कृषि मंत्री है जेपी दलाल, उन्होंने प्रदेश के किसान संगठनों और किसानों से अपील की है कि वो इस आंदोलन के अंदर हिस्सा ना लें। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसान हित में है और काफ़ी अच्छी स्कीमें और योजनाएँ लेके आ रही हैं। कल कुछ किसान संगठन आंदोलन के रास्ते में है। हमारी उन सब नेताओं से प्रार्थना है कि ये जो टाइम है आंदोलन का नहीं है, मिलजुल करके किसान हितैषी फैसले लेने का वक्त है। और हरियाणा सरकार, हमारा कृषि विभाग, हमारे मुख्यमंत्री जब आपकी हर बात में सहयोग करने को तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन की ज़रूरत है। कल भी जो किसान संगठन थे उनके प्रमुख नेताओं से हमारे उच्च अधिकारियों ने बातचीत की और उनके सामने स्पष्ट किया कि अभी जो 3 अध्यादेश आए हैं इससे किसान हित को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है। MSP रहेगी, MSP पे परचेज रहेगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में खरीद पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, अगर किसान को कोई ऊंचे भाव पर मंडी से बाहर कोई भाव मिलता है तो वो आज़ाद रहेगा कि वो अपनी फसल को मंडी से बाहर भी बेच सके, उसके ऊपर कोई मंडी का कानून लागू नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन को लेकर जो अपील की गई है सरकार की तरफ से उसमें किसान संगठन और किसान किस तरह से उसका पालना करते हैं। क्या वो इस जो अपील की गई है उसके समर्थन में आंदोलन नहीं करेंगे या फिर वो उसी तरह से एक दुगनी ताकत के अंदर ये अपना जो आंदोलन रखा हुआ है कल का उसमें वो भागीदार बनते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि जैसे ही ये अपील हुई है उसके बाद में काफ़ी किसान संगठनों ने एतराज़ जताया है और उन्होंने कहा है कि जब बड़ौदा के अंदर बड़े बड़े सम्मेलन किए जा सकते हैं तो उस पोजीशन के अंदर किसान अपनी मांग को लेकर एकत्रित क्यों नहीं हो सकते। किसान संगठनों ने यह भी कहा है कि एक तरफ जो उपचुनाव को लेकर सरकार पूरे तैयारी के अंदर है, बड़े बड़े सभाएं कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अपने साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ अगर एकत्रित हो रहे हैं तो कोरोना का ये जो डंडा है उन पर घुमाया जा रहा है और नाजायज़ तौर पर उनको परेशान करके ये आंदोलन को स्थगित करने और इसको विफल करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन प्रदेश के किसान और किसान संगठन आज ये मन बना चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में इस आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर किस तरह से प्रदेश की सरकार और विशेष तौर पर जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र इस मामले में पूरे इस आंदोलन को किस तरह से देखती है। क्या जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे रोड़े अटकाए जाते हैं कि ये आंदोलन और जो किसान अपनी एक रैली कर रहे हैं वो स्थगित हो पाती है, या किसान संगठन अपना जो ये मन बना चुके हैं आंदोलन का तो उसको पूरा सफल बनाते हैं। अब न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।